अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत होंगे। मेरा नाम है असद मुनीर और आप देख रहे हैं सुधा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अक्सर मेरे दोस्त मेरी बहनें कहती हैं, भाई यार कोई ऐसी एप्लीकेशन बताया करें जिस पर हम इजी पैसा जैज कैश में विड्रा ले सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पाकिस्तानी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको खुद भी यूज कर रहा हूं और इससे मैंने काफी अच्छी अर्निंग भी की है। और इस एप्लीकेशन से आज आपको सबसे पहले 2000 रुपए लाइव निकाल के भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ अपने प्रीवियस जो ऑलरेडी मैं विड्रा ले चुका हूं, अपने इजी पैसा जैज कैश में रिसीव भी कर चुका हूं, वो भी दिखाऊंगा और साथ साथ आपको भी गाइड करूंगा कि कैसे आप भी इस एप्लीकेशन को यूज करके घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ले चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ लगे बेल आइकन पर प्रेस करके उसको ऑल पे कर देना है ताकि अर्निंग के रिलेटेड कोई भी नई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिल सके। वीडियो को आपने लाजमी से लाइक कर देना है, शेयर वाले बटन के ऊपर प्रेस करके, ये आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर प्रेस करना है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर, जहां पर भी आप करना चाहें शेयर, उस पर आपने लाजमी से शेयर करना है ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इस एप्लीकेशन का पता चले, वो भी इसे घर बैठे पैसे कमा सके। उसके बाद आपने वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल अप करना है, ऐप लिंक के सामने आपको ये ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगी। सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करना है, नीचे आपको साइन अप का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। अब आपने साइन अप में अपनी तमाम इंफॉर्मेशन डाल देनी है। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर आपने केयरफुली लगाना है क्योंकि आपके मोबाइल पर 600 का एक ओटीपी कोड जाएगा जिसके थ्रू इस एप्लीकेशन में आपका अकाउंट बनेगा। मोबाइल नंबर आपने 0 के बगैर लगाना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है, वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। रेफरल कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो वाला रेफरल कोड आपने यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे टिक लगा के साइन अप के ऊपर क्लिक करके इसमें आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट जैसे बनाने लगेंगे तो आपने यहां पर क्लिक करने अपनी गैलरी में से कोई भी एक पिक्चर लेके अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहां पे लगा के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर लगाया होगा उस पर 6 अंकों का एक कोड जाएगा, जो कोड जाएगा वो कोड आपने यहाँ पे लगा के वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके इसमें अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद आपने इसमें लॉगिन करना है। अब आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो ईमेल या पास मोबाइल नंबर दिया होगा वो आपने ऊपर लगाना है, उसके बाद नीचे आपने पासवर्ड वाली जगह में पासवर्ड जो दिया होगा वो लगाना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन में साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब सबसे पहले मैं आपको अपना बैलेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना चाहूँ तो भी मैं आपको डिटेल दिखा सकता हूँ, लेकिन यहां पर हम सबसे पहले वैलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैं वैलेट के ऊपर क्लिक करता हूं आप मेरा बैलेंस देख सकते हैं 2000 रुपए। अगर आप टोटल विड्रा अमाउंट देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 64,350 रुपए ऑलरेडी इसे मैं टोटल विड्रा करवा चुका हूं अपने इजी पैसा जैज कैश में। और आज का मेरा जो अमाउंट है 2000 रुपए है जो सबसे पहले आपको विड्रा करके दिखाऊंगा। नीचे अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें तो ये मेरी विड्रा हिस्ट्री भी है। अब हमने सबसे पहले इसे विड्रा लेना है। यहां पर 2000 रुपए का अमाउंट विड्रा करवाने के लिए हमने विड्रा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे अब आप देखें आपके फेवरेट ऑप्शन जो कि आप अक्सर चाहते हैं कि इजी पैसा जैज कैश का ऑप्शन हो, तो यहां पर विड्रा इजी पैसा जैज कैश में मिलेगा। मैं जैज कैश के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे यहां पर क्लिक करता हूं उसके बाद आपने यहां पर अपनी जैज कैश इन्फॉर्मेशन लगानी है, अपना अकाउंट नंबर डालना है जैज कैश का, उसके बाद आपने जैज कैश अकाउंट होल्डर नेम लगाना है और यहां पर अमाउंट लगा देना है। 2000 है तो मैं 2000 लगाऊंगा। 1000 रुपए मिनिमम अमाउंट ऐसे विड्रा करवाने के लिए, जब आपके पास 1000 हो जाता है तो आप इसे विड्रा ले सकते हैं। मैं डिटेल लगा के यहां से विड्रा ले लेता हूं। तो यहां पर मैं जैसे डिटेल लगाई आप सारी डिटेल्स आप यहां पर भी देख सकते हैं। आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब हम विड्रा रिसीव होने का वेट कर लेते हैं। विद इन 3 to 4 आवर ये विड्रा रिसीव हो जाता है, तो जब भी विड्रा रिसीव होता है तो उससे आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विड्रा हमें रिसीव हो चुका है हमारे जैसे अकाउंट में, जो अभी हमने 2000 रुपए का लगाया था। 3-4 घंटों के बाद विड्रा हमें रिसीव हो चुका है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन से अर्निंग करनी कैसे है। इसे अर्निंग करने के लिए आपने यहां पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। अभी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वे बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट करके आपने कैसे अर्निंग करनी है। यहां पर देखें बाय पैकेज, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इनके प्लान्स मिलेंगे। 3 इनके प्लान है, एक बेसिक, एडवांस एंड लग्जरी। बेसिक में आप 100 से 5000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर आप एडवांस में आते हैं तो यहां पर 4000 से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लग्जरी में आप 8000 से 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्लान परचेज करना है उससे पहले आपने इसमें डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के लिए सिंपली आपने वैलेट के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपको जो विड्रावल के लिए मेथड मिल रहे हैं वही डिपॉजिट के लिए, इजी पैसा, जैज कैश, बिनांस, क्रिल, कॉइनबेस, पेपाल। जैज कैश के थ्रू करना चाहेंगे आपने जैज कैश के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद जितना अमाउंट आप इस एप्लीकेशन में करना चाहते हैं
वो अमाउंट आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 टू 500 करना चाहते हैं, 2000 4000 जितना भी करना चाहते हैं वो अमाउंट आपने लिखना है। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, होल्डर नेम क्या है, ग्लोबल नेटवर्क, यहाँ पर ये आपको एक टिल आईडी बताई गई है। डिपॉजिट अमाउंट हमने जो लिखा है वो नीचे हमारा शोर है। टिल आईडी को आपने कॉपी करना है, अपने जैसकैश अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसकैश अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्कैन क्यूआर कोड मिल रहा है सेंटर में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद इंटर दी टील आईडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जो टील आईडी आपने कॉपी की होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है या एज इट इज वहां से देख के लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो अमाउंट होगा वो आपने वहां पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर 100 करना चाहते हैं, 100 के ऊपर आपने क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपने अमाउंट जो है ये सेंड कर देना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसकी जो ट्रांजेक्शन आईडी होगी ये आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इसको कंटिन्यू करना है, जब अमाउंट सेंड कर लेना है। ट्रांजेक्शन आईडी आपने यहाँ पे लगानी है, स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है और सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपका अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद आपने दोबारा से बैक आना है। बैक आने के बाद ऊपर जो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर बाय पैकेज के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो आपको प्लान परचेज करना होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 2000 500 100 200 का डिपॉजिट किया है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 किया तो हमने क्या करना है, बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। जितना अमाउंट हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करके इस पैकेज को आपने परचेज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो प्लान परचेज किया हुआ है वो है लग्जरी और इसमें मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ से बैक जाते हैं। अब बात करते हैं प्लान एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से हमने अर्निंग करनी कैसे है, क्या काम है इसमें। अब आपने दोबारा से 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्टिव पैकेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिव पैकेज के ऊपर क्लिक करते हैं आपने इसको क्लोज करना है, ऐड आए तो ऐड को आपने बैक बटन के ऊपर प्रेस करके ऐड को क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपने कंप्लीट टास्क करना है, डेली 2 टास्क आपको मिलेंगे। आपने कंप्लीट टास्क के ऊपर क्लिक करना है, ये ऊपर आपको टाइमर दिया जा रहा है 50 सेकंड तक आपने यहाँ पे स्टे करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट टास्क का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप ऊपर देख सकते हैं 50 सेकंड पूरे होने के बाद कंप्लीट क्लेम रिवार्ड का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रिवार्ड क्लेम कर लेना है। अब दोबारा से आपने क्या करना है, कंप्लीट टास्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं दोबारा से आपने जो है 50 सेकंड तक वास करना है, या 3 दफा आपने करना है। पहले 2 टास्क कंप्लीट करने के बाद जब तीसरी दफा आप कंप्लीट टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तब जाके आपका अमाउंट जो होगा वो आपके बैलेंस में ऐड होगा। अब देखिएगा मैं दूसरी दफा कर रहा हूं, फिर तीसरी दफा भी करके जो मेरा बैलेंस है वो वहां पर मैं ऐड कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट टास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है। जब ये ऑप्शन आएगा तब आपने बैक बटन पर क्लिक करके बैक चले जाना है। अब आप देख सकते हैं पीकेआर 120, यहाँ पर आप रिफ्रेश करके भी आप अपना बैलेंस देख सकते हैं। सिर्फ 2 एड्स हमने देखे, अब हमारा 120 रुपये बैलेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप बार बार डेली आके जस्ट 2 एड्स देखेंगे, आपका डेली 120 रुपये ऐड होता जाएगा। जब आपका 1000 हो जाएगा फिर आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने करके दिखाया है आपको। लास्ट में आपको बताता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फ्री में आपने अर्निंग कैसे करनी है। यहाँ पर आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे आपको टेला फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपने सिंपली कॉपी करना है। जैसे यहाँ से आप इसको कॉपी करते हैं अब आपने दोस्तों को इनवाइट करना है और बताना है कि इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो 100 200 300 400 500 तक की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन आपको मिलेगा। इस तरह से आप दोस्तों को इन्वाइट करके फ्री में भी अर्निंग कर सकते हैं और जब आपका 1000 पे आपके बैलेंस में आ जाएगा फिर आप उसको अपने इजी पैसा जैसकैश में विड्रॉ करवा सकते हैं। बाकी मेरी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को आपने लाजम से लाइक करना है। एक लास्ट में बात ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपने अपने रिस्क पे करना है और जहां पे नेम रिस्क आ जाता है तो फिर वो आपको दोनों जो चीजें हैं वो माइंड में रखनी होती है कि आपका डिपॉजिट करने के बाद इस एप्लीकेशन में प्रॉफिट भी आ सकता है, बाज दफा वेबसाइट के क्लोज होने के बाद आपका लॉस भी हो सकता है। रिस्क लें तभी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो आपने अपने रिस्क के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट करके इससे अर्निंग करनी। बाकी मैंने अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है, इसको देखने के बाद आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके उसको ऑल पे कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।